तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम बिस्कुट से केक बनाएंगे। बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक बनके तैयार हो जाता है। इसे आप किसी भी बर्थडे पार्टी या फिर ऐसे भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम ओरियो बिस्कुट से केक बनाएंगे। ओरियो के जगह आप अपना कोई भी फेवरेट बिस्कुट यूज कर सकते हैं, जैसे कि पार्ले जी या फिर गुड डे या फिर कोई और बिस्कुट ले सकते हैं। तो ये हमने 10 रुपये वाला 3 पीस लिया है। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे टुकड़े में तोड़ लेंगे। तो सारे बिस्कुट को इसी तरीके से तोड़ करके तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो इसमें 2 चम्मच चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे एक बार रुक रुक के चला देंगे ताकि ये बारीक पीस जाए। तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, नहीं तो गर्म लेंगे नहीं ठंडा लेंगे। फिर से इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए बिस्कुट को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन ऐसा लेना है कि जो थोड़ा गड्ढा हो, और दूध हम बाद में यूज कर सकते हैं। मिक्सी में जब आप पीसे तो उस टाइम में थोड़ा ही दूध का इस्तेमाल करें, कि इतना डालना है कि अच्छे से मिक्सी चल जाए। तो ये देखिए अभी इसका कंसिस्टेंसी चेक नहीं करेंगे, अभी इतना गाढ़ी है। मैंने थोड़ा सा ही दूध यूज किया था। अब यहाँ पे 3 से 4 चम्मच दूध और डाल करके मिक्स करेंगे। एक बार में अगर दूध ज़्यादा डाल देते हैं तो ये बहुत पतला हो जाएगा, तो फिर केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। ये देखिए इस तरीके का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इसे रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये देखिए रिबन के जैसे बन रहा है, इसीलिए आप भी थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे मिक्स कर लें और इस तरीके की कंसिस्टेंसी चेक करें। तो यहाँ पर मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर को प्री हीट होने के लिए रख देते हैं तेज आँच पर। तो ढक्कन का लास्टिक और सीटी निकाल देंगे और कुकर को ढक देते हैं 10 मिनट के लिए तेज आंच पे। आप कुकर के जगह कोई भी कढ़ाई या फिर पतीला ले सकते हैं। तब तक हम बटर पेपर तैयार कर लेंगे। इस लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, तो आप घर पे ही बटर पेपर बना सकते हैं। कोई भी नोटबुक का पेज ले और इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें। ऑयल हमने रिफाइंड ऑयल यूज किया है, जैसे कि सरसों का तेल यूज नहीं करना है। तो केक टिन में भी हम ग्रीस कर लेंगे और पेज पर भी कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लेन पेज नहीं था तो मैंने लाइन वाला यूज किया है। केक टिन को पहले तैयार करके रखना होता है। तो अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल की जगह आप बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से किनारे में भी इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम केक इसमें डालेंगे तो ये आसानी से निकल जाए। तो केक टिन और कुकर तैयार है। अब हम इसमें 1 इनो का पाउच डालेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो खाने वाला छोटा होता है ना, वो छोटी चम्मच, एक आधी छोटी चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, आधी चम्मच डाल देना है खाने वाला सोडा। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच दूध और डाल रही हूँ और इसे बहुत ही आराम से कट एंड फोल्ड स्टेप से इसे मिक्स करेंगे। ये वीडियो का एडिटिंग है, इसीलिए आपको इतना तेज में दिख रहा है, पर बहुत आराम से मिक्स करें। अगर ज़्यादा इस टाइम मिक्स कर देंगे ना तो वही केक हार्ड बन जाते हैं। और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है क्योंकि इसके अंदर हवा भरना होता है। इनो के वजह से इसके अंदर बहुत सारा हवा भर जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फूल गया है और ये हल्का भी हो गया है और कलर में भी लाइट हो गया है। जब आप सोडा डालेंगे तो सोडा में भी इसी तरीके से होते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर कुछ भी ना डालें, फिर भी आपके केक परफेक्ट तरीके से बन जाएगा, बस इतना फूलेगा नहीं। तो अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे। कंसिस्टेंसी आपने देख ही लिया, इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट केक बनके तैयार होगा। इसे एक बार टैप टैप कर लेंगे इस तरीके से ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएगा।
अब एक चिमटी के सहायता से इसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि कुकर इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हाथ जलने का चांस होता है। तो अच्छे से पहले इसे पकड़ लेते हैं। तीनों डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना होता है, फटाफट से इसे हम कुकर में डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया कुकर में। अब ढक्कन को बंद कर देते हैं। ढक्कन आप अगर कढ़ाई में भी बना रहे हैं तो ढक्कन ऐसे लेना है जो पूरे उससे ढक जाए, अच्छे तरीके से ढक जाए पतीला या फिर कढ़ाई में। अब इसे बंद कर देते हैं। 35 से 40 मिनट तक धीमी आंच पर इसे बेक करेंगे। और जब बेक हो जाए 40 मिनट के बाद ठंडा होने दे, तभी कुकर का ढक्कन या फिर कढ़ाई का ढक्कन खोले। अगर आप बीच में खोल देंगे ना तो ये बीच से धस जाते हैं। और इसे टूथपिक के सहायता से चेक कर लेंगे। 40 मिनट के बाद केक अच्छे तरीके से पक जाते हैं। अब इसे ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं किनारे से छोड़ दिया है केक किनारा। अब इसे एक चाकू के सहायता से एक बार फिर से किनारा को लूज कर लेते हैं ताकि केक को निकालने में आसानी हो। तो कितना परफेक्ट तरीके से केक हमारा फूल करके तैयार हुआ है आप देख सकते हैं, पहले कितना था और अब कितना हुआ है। अब एक प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और आराम से पलट देंगे और इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बटर पेपर लगाने का बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, आप घर पे भी बटर पेपर आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है, इसे पलट लेते हैं। अगर आप इसे बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो चॉकलेट से भी इसे सजा सकते हैं। 2 से 3 पीस में कट कर ले, फिर आपके बर्थडे के लिए केक तैयार हो जाएगा घर पे ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।